नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर, और पटना का डाकबंगला चौराहा वक्त चाहे कोई भी हो व्यस्त होता है गाड़ियों की आवाजाही से। गाड़ियों की लंबी कतारें होती है और पटना का जो सबसे व्यस्तम चौराहे हैं उनमें से एक माना जाता है। लेकिन इस वक्त तस्वीर देख लीजिए, सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और ये तस्वीर है। सुरक्षा कर्मी नज़र आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी नज़र आ रहे हैं, मीडिया कर्मी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ना तो इस तरफ जो रास्ता गांधी मैदान की ओर जाता है कोई गाड़ी नज़र आ रही है, लोग नज़र आ रहे हैं, इक्के दुक्के लोग नज़र आ रहे हैं। ये जनता कर्फ्यू का असर है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, लोगों का भरपूर समर्थन उसको मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार से जो आदेश और निर्देश प्राप्त हों उनका पालन करना ही एकमात्र उपाय है और हर जरूरी सावधानी बरती जानी चाहिए, तब इस बड़े खतरे के खिलाफ़ लड़ाई आसान हो सकेगी। और ये तमाम तस्वीरें हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं डाकबंगला चौराहे पर, मीडियाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो असर है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी मौजूद हैं डाकबंगला चौराहे पर। सर, क्या किसी जाने आने वाले को रोका भी जा रहा है क्या? स्वतः स्फूर्त बंद है सर, मतलब खुद से बंद है और जाहिर है जनता कर्फ्यू है, तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते पुलिस अधिकारी। कुल मिलाकर तस्वीर हमने आपको दिखाई है, यही वो तस्वीर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पटना का सबसे व्यस्तम चौराहा है जहाँ की ये तस्वीर है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जनता कर्फ्यू का क्या असर है और जनता कर्फ्यू का कितना समर्थन किया है लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए। पीएम के आह्वान का, सरकार की पहल को लोगों का साथ मिल रहा है। इक्की दुक्की गाड़ियां नज़र आ रही हैं, लेकिन बाकी सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है, वीरानी छाई हुई है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम उस बड़े खतरे से जूझ रहे हैं, उस जिसको वैश्विक महामारी कहा जा रहा है। तो इस खबर में इतना ही।